स्टूडेंट माय नेम इज मिस हफ्साज बेरी, आई एम योर इंग्लिश टीचर। टुडे वी रीड पेज नंबर 29 ऑफ आर इंग्लिश बुक, यूनिट नंबर 4, नासिर एंड ट्रबल। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। नासिर वेव गुड बाय एज ही ट्रेन पुल आउट ऑफ द स्टेशन। हिज मदर स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म वेइंग। नाउ बी गुड, शी शाउटेड, एंड डोंट गेट इन टू ट्रबल। नासिर वॉज सोन इन लाहौर। ही वॉज स्टेइंग विद हिज अंकल समी। Nasir liked Sami uncle. He was a very jolly man and told exciting story. Make sure you write and tell mother that I am not getting into any trouble, Nasir told his uncle one morning. Uncle Sami laughed. I will, he said as he left for the office. Now I translate in Urdu for your convenience. Nasir waved goodbye. Nasir अपनी मदर को हाथ लग कहता है गुड बाय, अल्लाह हाफिज। एज द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन, जैसे ही स्टेशन जाने लगती है, हिज मदर स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म वेइंग। वो भी हाथ हिला रही हैं प्लेटफॉर्म पे खड़ी हुई। नाउ बी गुड, शी शाउटेड, एंड डोंट गेट इनटू अ ट्रबल। अच्छे रहना, और उन्होंने जोर की आवाज़ से कहा, और किसी मुसीबत में ना फंस जाना। नासिर वॉज सून इन लाहौर, वो एकदम लाहौर पहुँच गया। ही वॉज स्टेइंग विद हिज अंकल समी, वो अपने अंकल समी के पास रहता है गया है। नासिर लाइक्ड अंकल समी, वो अपने अंकल समी को इस वजह से करता है क्योंकि वो एक जॉली मैन है, एक अच्छे आदमी है, और उसको एक्साइटिंग स्टोरी सुनाते हैं। मेक श्योर यू राइट एंड टेल मदर डैट आई एम नॉट इन टू एनी ट्रबल, वो अपने अंकल समी को कहता है नासिर कि आप अपनी मेरी मदर को राइट करें और बताएं कि मैं किसी मुसीबत में नहीं पहुँचूंगा। नासिर टोल्ड हिज अंकल वन मॉर्निंग, अब एक सुबह अपने अंकल को कहता है। अंकल समी लाफ, वो हंस देते हैं। आई विल, मैं कर दूंगा, ही सैड एज ही लेफ्ट फॉर द ऑफिस, जब वो ऑफिस के लिए जाने लगते हैं। आप लोगों ने पेज नंबर 29 की इस तरह ही रीडिंग करनी है। इसके साथ हम लोगों ने कॉपी वर्क करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मैंशन योर डेट, क्लास वर्क एंड डेट। यूनिट नंबर 4, टॉपिक नासिर इन ट्रबल। वेटिंग हम लोगों ने पेज नंबर 29 कर दिया, आप लोगों ने भी करनी है। वर्ड सिनोनिम्स करेंगे आज हम लोग। नंबर 1, एक्सप्लेन टू टेक द मिलिंग प्लेयर। लेट अ लॉन्ग पीस ऑफ लेदर, मस्टैच, हेयर अबव द मैन्स माउथ, स्टॉल अ स्मॉल शॉप। नाउ आई ट्रांसलेट फॉर योर कन्वीनियंस। एक्सप्लेन टू टेक द मिलिंग प्लेयर, किसी को भी अपने माइनिंग को क्लियर करना है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सप्लेन करना है। लेट अ लॉन्ग पीस ऑफ लेदर, एक बड़ा लेदर का पीस जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, लेट मूस्टैच, हेयर अबव द मैंस माउथ, मैंस माउथ के ऊपर जो हेयर्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, मूस्टैच। स्टॉल अ बिग शॉप, अ स्मॉल शॉप, सॉरी, स्टॉल अ स्मॉल शॉप, एक छोटी सी दुकान को हम क्या कहते हैं, स्टॉल। आप लोगों ने इसको इंग्लिश एक ही कॉपीज प्रोवाइड भी करना है और लर्न भी करना है।